अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हंसी भारतपुर यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल सौतेली ममता का लास्ट एपिसोड की मुकम्मल कहानी लेकर आ चुके हैं। तो व्यूअर जल्दी से वीडियो को लाइक दोस्तों शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर यासिर को जानना चाहते हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे सोफिया पूछना चाहती थी दानियाल से कि क्या वो मनाहिल को पसंद करता है या नहीं पसंद करता, वो उससे शादी करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो नाज़रीन वो कहता है कि मैं उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, जिसके बाद नाज़रीन वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और नाज़रीन ये जाकर बात वो करेगी अली से कि यहाँ पे मैंने उसके साथ कर दिया है रिश्ता फिक्स करने वाली हूँ, जिसके बाद नाज़रीन अली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा और कहेगा कि जो खुद नहीं चल सकता और जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वो मेरी बहन की हिफाजत क्या करेगा। और नाज़रीन यहाँ पे रहीन के आगे बात की जाएगी तो नाज़रीन वो भी कहेगी नहीं, लेकिन नाज़रीन बाद में जब वो देखेगी यहाँ पे अली का टॉर्चर सहेगी, जिसके बाद नाज़रीन वो यहाँ पे महानूर और अली को देखेगी कि वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये हमें बर्बाद करना चाहते हैं, जिसके बाद वो यहाँ पे कर देगी, हाँ कर लेते हैं यहाँ पे दानियाल और मनाहिल की शादी। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे वो बहुत ही बड़ी साजिश करने वाली है। और नाज़रीन दूसरी जानब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे देख लेती है सोफिया के कमरे से बाहर निकलते हुए आशा को जुवेरिया निकलते हुए देख लेती है सोफिया के कमरे से, जिसके बाद नाज़रीन वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है जाकर सोफिया पर, और सोफिया को कहती है कि मैं बड़े पापा को बता दूंगी, जिसके बाद खुद ही ज़ुबैर आ जाता है और वो यहाँ पे आकर बातें पूछना शुरू कर देता है क्या बात है। और नाज़रीन यहाँ पे या तो वो बता देंगे या फिर नाज़रीन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जब बताए तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सोफिया कहे कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और नाज़रीन दूसरी जानब यहाँ पे यासिर अपनी माँ को बता दे कि वो मनाहिल से करना चाहता है शादी, लेकिन वो नहीं मान रही है, उसके घर वाले नहीं मान रहे, जिसके बाद नाज़रीन उसकी माँ भी कर देगी ना। और नाज़रीन यहाँ पे जो है यासिर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका है, और नाज़रीन यहाँ पे वो बुलाएगा जवेरिया को और जवेरिया को कहेगा कि मेरी आकर बात सुन, जो मैंने फ़ोन पर तुम्हें कोई भी बात नहीं बतानी तो मेरे पास, और जिसकी वजह से यहाँ पर वो चली जाएगी उसके पास उसकी बात सुनने, और पीछे से यहाँ पर यासिर फ़ोन कर देगा कि मैंने तुम्हारी बहन को बुलवा लिया है और मैं उसके साथ बहुत ही कुछ करने वाला हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम उसकी हालत ऐसी कर दूंगा जिससे तुम उसे पहचान भी नहीं सकोगी, जिसके बाद यहाँ पे मनाहिल जाएगी उसे बचाने के लिए या फिर नाज़रीन किसी को बता देगी। और नाज़रीन यहाँ पर यासिर करना चाहता है मनाहिल से शादी, और नाज़रीन यहाँ पे वो उसे फिर से पकड़ के वैसे ही उसके साथ करना चाहता है शादी, लेकिन नाज़रीन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे अली को या पता चल जाएगा या पता चल जाएगा किसी को और नाज़रीन यहाँ पे इसे पकड़ के इसे पुलिस में दे देंगे या इसकी बहुत ही ज़्यादा पिटाई करेंगे और बाद में अली मान जाएगा और यहाँ पर इन दोनों की कर देंगे शादी। तो नाज़रीन आप लोगों को क्या लगता है, दानियाल और यहाँ पर मनाहिल की शादी होगी या नहीं होगी? आप लोग हमें कीमती रहे इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर से कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कीमती रहेगा झारखंड कमेंट्स बॉक्स में जरूर कर देना। ओके बाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।